बार फिर दिखी बीजेपी में गुटबाजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में नजर आई गुटबाजी। शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ को बोलने से रोका गया। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने बाबू सिंह से माइक छीन लिया। मामला बिगड़ने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए बीच में, लेकिन उसके बाद स्थानीय नेताओं ने संबोधन को लेकर विरोध जताया। बाबू सिंह के समर्थकों ने भी हंगामा किया। पूर्व सीएम राज्य के गुट के माने जाते हैं बाबू सिंह राठौड़, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। तो शेरगढ़ विधानसभा सीट से शेखावत की दावेदारी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, इस पूरे मामले को। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां माइक छीनने की घटना सामने आई और जनसभा में ये चर्चा का विषय भी रहा है। और ये उस वक्त हुआ जब मंच पर राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया समेत कई नेता मौजूद रहे। ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि वो तस्वीर है जब बाबू सिंह बोल रहे थे और उसी दौरान स्थानीय नेता आते हैं। ये बाबू सिंह जिनके पास में स्थानीय नेता आते हैं और उस वक्त जब वो अपना संबोधन दे रहे थे, उसके बाद ये स्थानीय नेता उनको रोकते हैं। ये तस्वीर एक आपको एक बार पूरी तरीके से दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ ये झगड़ा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बाबू सिंह मंच पर बोल रहे थे, तभी तीन चार स्थानीय नेता आते हैं और ये स्थानीय नेता रोकते हैं बाबू सिंह को बोलने से। तभी गजेंद्र सिंह शेखावत बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं और हमारे साथ इसी खबर पर ब्यूरो चीफ पंकज जी, पंकज सोनी और साथ ही साथ अरुण हर्ष जोधपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरुण, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप उस स्थिति को हमारे सामने लेकर आए हैं, वो देखा कि किस तरह ये पूरा मसला हुआ, जरा उसको बताएं पहले। मेगा, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से आज की जो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा होनी थी बालेश्वर में, और जनसभा से पूर्व बाबू सिंह राठौड़ को बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन बाबू सिंह राठौड़ है जो राजनाथ सिंह की मौजूदगी में अपना भाषण देना चाहते थे, लेकिन आयोजक तो थे राणा प्रताप सिंह, उन्होंने इसका विरोध किया। जैसे ही बाबू सिंह ने हालांकि राजनाथ सिंह से पूछा था जाने बोलने के लिए, उसके बाद ही वो आए थे माइक पर, लेकिन उसके बाद जो आयोजक थे स्थानीय, उन लोगों ने उस माइक को छीन लिया और माइक छीनने के साथ जिला अध्यक्ष जो ग्रामीण है वो भी वहां पर पहुंचे, फिर सतीश पूनिया वहां पहुंचे, लोगों से समझाइश करने लगे, लेकिन वो जिस तरह से माइक छीन कर बाबू सिंह के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही थी, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है किस तरह से बाबू सिंह को बोलने से रोका गया। और उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाइश की, जिसके बाद में बाबू सिंह राठौड़ को बोलने दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाकया हुआ क्यों, इसके पीछे की कहानी यह है कि 2018 में जब बाबू सिंह राठौड़ यहाँ विधानसभा से चुनाव लड़े थे और काफी कम वोटों से हारे थे, लेकिन उन्हें यह लगता है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कारण से वो लोग हारे थे, और इसी बात के लेकर 2018 से लेकर अभी तक इनके बीच में जो आपसी रंजिश पार्टी के अंदर मतभेद है वो दिखाई दे रहा है। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरह से पिछले दिनों इस इलाके में विकास के कार्य करवाए, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे बांध बनाने की बात हो, इन सब बातों से बाबू सिंह राठौड़ को यह लगता है कि आने वाले दिनों में संभवतः जिस तरह से शेखावत एक्टिव हो रखे हैं उन्हें यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। तो इस बात के लेकर आपसी मनमुटाव था, जो मनमुटाव मंच पर नजर आया केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में। मेगा जी, पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो तस्वीर सामने आती है, आज हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे जो गुटबाजी होती है, ये मनमुटाव होते हैं वो दिखते हैं और उसका नुकसान पार्टी को होता है चुनावों में। अगर अभी इस तस्वीर की बात करें, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, सतीश पूनिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत तो रोक रहे हैं, इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी इस तरह की गुटबाजी, इस तरह का वाद विवाद नजर आता है। जी बिल्कुल मेगा, देखिए एक खुद को अनुशासित पार्टी कहती है भाजपा, और उसके केंद्रीय नेताओं की मंच में मौजूदगी में अगर इस तरह की घटना हो सकती है तो ये मान लीजिए कि स्थानीय स्तर पर भी गुटबाजी की जो बीमारी है वो कितनी अंदर तक घर कर चुकी है। जैसा ही हमारे सहयोगी अरुण अभी बता रहे थे कि बिल्कुल मामला यही है। बाबू सिंह राठौड़ तीन बार के विधायक हैं, शेरगढ़ से आते हैं और वसुंधरा राजे के से इनकी निकटता मानी जाती है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच के जो आम चर्चाओं में वो रहता है वो उतना जो तंत्र में उतना अच्छा नहीं है पार्टी के अंदर। तो ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं की गुटबाजी है वो भाजपा में नीचे के स्तर तक साफ रूप से दिखाई देने लगी है।
बाबू सिंह राठौड़ को सभा से नहीं बोलना, मेरे ख्याल से भाजपा के मंच पे ऐसा नज़ारे कम देखने को मिलते हैं। और अगर राजस्थान में और वो भी मारवाड़ में जहां और उस वोट बैंक के बीच में जो बीजेपी का माना जाता है, राजपूत वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है, अगर वहां गुटबाजी दिखाई दे रही है तो ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है मारवाड़ में। बिल्कुल अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ये तस्वीर, ये बात सही है पंकज जी की, जो स्टेज है बीजेपी के स्टेज पर अमूमन इस तरह की तस्वीरें कभी नजर नहीं आती हैं, और जब इतने दिग्गज नेता मौजूद हों तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैसेज तो आलाकमान तक जाएगा, दिल्ली तक पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में अगर इस तरह का प्रकरण हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और राजस्थान की राजनीति में भी उनका काफ़ी बड़ा दखल माना जाता है, उनके सामने अगर इस तरह की घटना होती है, सतीश पूनिया भी उस मंच पे मौजूद थे, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ये अनुशासित पार्टी का दावा करते हैं, और अगर उस मंच पे इस तरह की घटना होती है तो निश्चित रूप से भाजपा का जो आलाकमान है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे कोई ना कोई प्रसंज्ञान लेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है, जैसा कि भाजपा आलाकमान का स्वभाव है, इस मामले में जरूर किसी न किसी कार्यकर्ता या नेता पर गाज गिरने की पूरी संभावना है। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरा जब मसला हुआ, ये पूरा जब घटनाक्रम रहा, उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्योंकि उसके बाद बातचीत का दौर तो शुरू हुआ होगा, चर्चाओं का दौर शुरू हुआ होगा, राजनाथ सिंह की ये सभा और इसमें इस तरह का वाक्या, ये चर्चा का एक पूरा जो फोकस है वो यही बन गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेका, अगर बात की जाए जिस तरह से ये वाक्य हुआ था और बात करें जिस तरह से बाबू सिंह को रोका गया था, हालांकि बाबू सिंह के समर्थक काफी संख्या में वहां पर मौजूद थे और वो लगातार कोई भी अगर भाषण होता है उसमें बाबू सिंह शेखावत के, बाबू सिंह राठौड़ के नाम के नारे लगा रहे थे। तो कह सकते हैं बाबू सिंह राठौड़ के जिस तरह से समर्थक मौजूद थे और जिस तरह से उन्हें बोलने से रोका गया, उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने नारेबाजी की, और राजनाथ सिंह ने, हालांकि बाबू सिंह राठौड़ है जो पूछकर माइक पर आए थे, ऐसा नहीं है उन्होंने राजनाथ सिंह से परमिशन ली थी कि मैं बोलने जा सकता हूं क्या, लेकिन आयोजक जो थे राणा प्रताप सिंह जो वहां के 24 गांव के जो राणा कहलाते हैं, सरदार कहलाते हैं, उन्होंने मना कर दिया जो है बाबू सिंह राठौड़ को बोलने नहीं दिया जाएगा। ये आपसी जो गुटबाजी है उस गुटबाजी के चलते इस तरह का वाक्य हुआ था, और उसके बाद में जिस तरह से बाबू सिंह राठौड़ को बोलने दिया गया, लेकिन बोलने के बाद में जिस तरह राजनाथ सिंह के बाद में जो स्टेज पर ही मौजूद थे बाबू सिंह राठौड़ जो है वो स्टेज पर बैठे थे, बिल्कुल बिल्कुल बात की जाए अगर बैठने की तो बिल्कुल बाबू सिंह राठौड़ मंच पर थे, काफी बड़ा मंच सजाया गया था, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की रैली थी, जनसभा थी, उसको लेकर बड़ा मंच सजाया गया था जिसमें काफी दिग्गज नेता थे, प्रदेश के भी दिग्गज नेता थे, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत थे, वासुदेव नानी जी मौजूद थे, पूर्व शिक्षा मंत्री, तो कह सकते काफी दिग्गज सतीश पूनिया जी थे, तो ये तमाम वो नेता प्रदेश के थे वो मंच पर मौजूद थे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो केंद्रीय नेता में जिस तरह से राजनाथ सिंह जी थे और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, तमाम बीजेपी के बड़े नेता मंच पर होना और मंच पर बैठे होना पूर्व विधायक का और उसके बाद में बोलने से रोकना, कई सवाल जो है बीजेपी के अंदर की जो राजनीति में जो चल रहा है इन दिनों, जिस तरह से कहते हैं जो खबरें सुनकर आती है कि बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी काफी है, कई लोग हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार है, ये सारी बातें इस तरह की जब हालात होते तो यही नजर आता है कि आपसी फूट है जो अब मंचों पर नजर आ रही है। और केंद्रीय नेतृत्व के सामने अगर इस तरह का मंच पर नजारा दिखता है तो वाकई पार्टी को चिंता करने की बात है। मेगा अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरा जब मसला हुआ उसके बाद क्या आपकी कोई बातचीत जो है वो राठौड़ से हो पाई है, बाबू सिंह राठौड़ से कोई बातचीत हुई? देखिए जब ये देखिए बाबू सिंह राठौड़ से तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से सभा समाप्त होने के बाद में बाबू सिंह राठौड़ के समर्थक सैकड़ों की संख्या में जो थे वो नारेबाजी करते हुए पूरे बालेश्वर में घूम रहे थे और जिस तरह से लोग वहां से निकले थे, लेकिन एक चर्चा का विषय ये बना था कि आज इस तरह की हरकत देखने क्यों आई, राजपूत समाज आपस में क्यों झगड़ रहा है, क्योंकि जो रोकने वाले शख्स थे वो भी राजपूत समाज के थे और जिसको रोका गया वो भी राजपूत समाज, यानी कि एक ही समाज के अंदर जिस तरह की बात ये सामने आई उसको लेकर चर्चा बनी है पूरे बालेश्वर में। और बालेश्वर में नहीं, इस तरह की जो खबर ये जिस समय लाइव चल रहा था उस समय भी लोगों के फोन आने लगे थे कि बीजेपी के अंदर ये किस तरह की गुटबाजी है जो इस तरह से लोग है जो पूर्व विधायक को रोका जा रहा है और बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो कह सकते हैं जो स्थानीय नेता मंच पर चढ़े वो कौन कौन थे और ये स्थानीय नेता क्या पहले से मंच पर मौजूद थे या नीचे जो कुर्सियां लगी हुई थी उनसे वो पहुंचे मंच पर और फिर रोका गया?
नहीं नहीं मेगा, ये जो रोकने की बात है वो मंच पर बैठे हुए थे तमाम अधिकारी, ये जो कार्यकर्ता थे और जो पदाधिकारी थे वो मंच पर बैठे हुए थे और वहां पर ही वो उन्होंने रोकने का प्रयास किया था। नीचे से कोई ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि सिक्योरिटी होती है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की और गजेंद्र सिंह शेखावत की, तो नीचे से कोई भी कार्यकर्ता ऊपर नहीं गया था, लेकिन मंच पर ही जो लोग बैठे थे उन लोगों ने रोका। और जिस तरह से हमने पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह कीर्तोर से बात की थी और उनसे पूछा था कि आपके इस मंच पर जिस तरह से ये प्रयास हुआ है, आप मंच पर बैठे थे तो राजनाथ सिंह जब जोधपुर पहुंचे उसके बाद एक वीडियो सामने आया, वो वीडियो राजनाथ सिंह के संबोधन का नहीं था, वो था बाबू सिंह राठौर जब मंच पर मौजूद थे, बोलने के लिए पहुंचे तो वहां पर कुछ स्थानीय नेताओं ने उनको बोलने से रोक दिया, हालांकि वो भी स्थानीय नेता मंच पर ही मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जब रोका गया, इस रोका राखी में वाद विवाद में जब नहीं बात बनी तो गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे और उन्होंने समझाइश की, तो गुटबाजी बीजेपी में नजर आई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जब स्थानीय स्तर पर ही क्षेत्र में ही इसी तरह की गुटबाजी होगी तो प्रदेश स्तर पर कैसे बीजेपी चुनौती से पार पाएगी। हमारे साथ पंकज जी लगातार जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ। पंकज जी, एक चीज जो सामने आती है वो ये कि राजपूत वर्सेस राजपूत ही यहाँ पर नजर आया, ये बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एक तरह का वोट बैंक रहा है। जी, विशेष रूप से देखिए पूरे प्रदेश में राजपूत समाज जो है भाजपा का वोट बैंक माना जाता रहा है, परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक है, खास तौर से मारवाड़ इलाके में तो ये पूरा की पूरा जो राजपूत समाज है ये भाजपा के पक्ष में बहुत मतलब एक लंबे अरसे से दशकों से खड़ा नजर आता है। और राजनाथ सिंह को इस इलाके में बुलाने के पीछे शायद बीजेपी की यही रणनीति रही होगी कि राजपूत जो समाज है उसको और मजबूती से संगठित कर बीजेपी के पीछे खड़ा किया जाए, लेकिन ये दुर्भाग्य माने बीजेपी का कि अगर इस तरह की घटना राजपूत समाज के जो बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे उनके बीच में इस तरह का घटनाक्रम होता है तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए आने वाले समय बहुत डैमेजिंग होगा। और भाजपा को ये जो राजपूतों में एकजुटता जो पार्टी के पक्ष में करने की भाजपा की कवायद है उसको ये एक बड़ा धक्का भी मान सकते हैं क्योंकि बाबू सिंह राठौर शेरगढ़ के हैं, स्थानीय वहाँ के निवासी हैं और वो राठौर राजपूतों के उसमें आते हैं, या जो मारवाड़ का क्षेत्र है वहाँ जो ज़्यादातर राजपूतों की संख्या है वो राठौर राजपूतों की है, उद्दार राजपूतों की है, दो तरह की राजपूत कम्युनिटी यहाँ पर है। और वहीं जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो जोधपुर से सांसद तो हैं लेकिन जो उनका परिवार है वो शेखावटी से माना जाता है, ऐसे में अगर स्थानीय राजपूतों में इस तरह के दो फाड़ नजर आते हैं या भाजपा समर्थित राजपूतों में दो फाड़ अगर नजर आ रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए कतई शुभ समाचार नहीं है इस इलाके में, और बीजेपी को इसको लेके कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा या फिर राजपूत समाज में जो बीजेपी की रणनीति है इस इलाके में खास तौर से उसमें किसी ना किसी तरह का बीजेपी को बदलाव करना होगा। अच्छा पंकज जी, एक चीज का जिक्र जो अभी अरुण हर्ष कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि नारेबाजी हो रही थी जब भी कोई नेता बोलता था बाबू सिंह राठौड़ के लिए नारेबाजी होना शुरू हो जाती थी, उनके समर्थक करते थे, तो ये भी एक बीजेपी में हमेशा ट्रेंड देखा जाता है कि अगर किसी भी नेता के लिए बहुत ज्यादा नारेबाजी की जा रही है तो ये बहुत ज्यादा हाईकमान की आंख में खटकता है, ये पसंद नहीं आता है, तो ये शायद जो टिकट के लिए या जो बहुत ज़्यादा एक्टिव बाबू सिंह राठौर नज़र आ रहे हैं उनके लिए खतरा बन जाएगा। देखिए बीजेपी में जो अभी तक ये सभाएं हुई है, जो बीजेपी का एक ट्रेंड है या एक जो बीजेपी ने मान लीजिए कि अंदर खाने में जो एक नियम तय किया हुआ है उसके तहत अगर कोई बड़े नेता की सभा होती है तो या तो मंच में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष या उस इलाके का सबसे बड़ा नेता उस नेता के सामने भाषण देता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कायड़ में सभा हुई तो प्रधानमंत्री के सामने सिर्फ सीपी जोशी का भाषण हुआ, यही कुछ यहाँ रहा होगा, लेकिन क्योंकि बाबू सिंह जी ने विशेष रूप से बताया जा रहा है कि उन्होंने अनुमति लेके बोलना प्रारंभ किया और उसके बाद भी उनको बोलने नहीं दिया गया। ठीक तो है, अब इसके बहुत सारे सवाल भी उठते हैं और खास तौर पर बीजेपी पर बड़े सवाल उठते हैं कि अगर स्थानीय स्तर पर इस तरह से स्थिति चल रही है तो प्रदेश स्तर पर क्या जोधपुर से सामने आई, और क्योंकि राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए थे, माइक छीन लिया गया बाबू सिंह राठौर से, ये माइक छीना गया है भाजपा के स्थानीय नेताओं ने, ये किया, ये तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं वो सामने आई है। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल भी हैं, चर्चाएं भी बीजेपी में भी हैं और लगातार उस क्षेत्र में भी चल रही है कि राजपूत वर्सेस राजपूत यहाँ पर नजर आया एक चीज, दूसरे के क्षेत्र में ही इस तरह की गुटबाजी नजर आ जाती है, तीसरी चीज कि कैसे जो स्थानीय नेता है वो बाबू सिंह राठौर को मंच पर रोक देते हैं जो कि बीजेपी में
अक्सर इस तरह की चीजें नजर नहीं आती हैं, डिसिप्लिन नजर आता है, लेकिन ये आज डिसिप्लिन स्थानीय स्तर पर टूटता हुआ नजर आया है, वो भी जब एक राष्ट्रीय नेता यहाँ पर पहुंचा हुआ था, राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसी स्टेज से इस तरह से घटना सामने आती है, इस तरह का वाद विवाद हो जाता है, बाबू सिंह राठौर जो बोल रहे थे उनको बोलने से रोक दिया जाता है, कई स्थानीय नेता पहुंच जाते हैं, हालांकि जो मंच पर मौजूद थे नेता वो स्थिति को भांपते हैं और उसके बाद इनको अलग करते हैं, वहां मंच पर पोजियम पर गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचते हैं और अरुण हर्ष हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। अरुण, ये पूरी जो स्थिति है वो दिख गई है, वहां स्थानीय नेताओं से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसे से बात हुई, स्थानीय विधायक जो अगर बात करें फलोदी के विधायक है पप्पा राम, इसने उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने भी इस चीज़ को इस इनडायरेक्ट माना, हाँ कुछ है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे बीच में अगर कोई आपसी विवाद है हम पार्टी के अंदर बैठ कर सुलझा लेंगे, लेकिन जिस तरह से ये मंच पर और केंद्रीय नेताओं के सामने अगर इस तरह की हरकत होती है तो पूरी पार्टी की शान खराब होती है और यही कारण है कि अनुशासित कहे जाने वाली पार्टी बीजेपी, जो डिसिप्लिन पार्टी कही जाती है, सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उस पार्टी में अगर इस तरह की हरकत होती है, और जिस तरह से पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ कोई छोटा नाम नहीं है, वो उस इलाके के दबंग और आम कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहने वाले नेता है, अगर उनका माइक छीन लिया जाता है तो कह सकते हैं बहुत बड़ी ये बात है, जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी लंबे समय से जो चल रही थी आखिर वो मंच पर दिखाई देगी और जिस तरह से विरोध किया गया बाबू सिंह राठौड़ का, दूसरे जो समर्थक थे वो नीचे से नारेबाजी नजर आती है, क्योंकि ये एक तरह से डिसिप्लिन तोड़ना है और बीजेपी में ये गुनाह माना जाता है, इस गुनाह की सजा भी दी जाएगी। देखिए, ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, क्योंकि जिसका जिसके पास संख्या बल ज्यादा होती है, जो जिसके पास वोट बैंक ज्यादा होता है उसकी जीत होती है, और जिस तरह से वर्चस्व अगर बात की जाए, बाबू सिंह राठौड़ जिस तरह से दो बार वहां से विधायक जीते हुए, तीसरी बार हारे हुए, लेकिन उनकी पकड़ आज भी मजबूत है वहां पर, आज भी वो एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में देखे जाते हैं उस इलाके में, लेकिन जिस तरह से ये 2018 में जब इनकी हार हुई थी तब से लेकर अब तक इनके बीच में एक ठीस जो है कार्यकर्ताओं के बीच में बाबू सिंह राठौड़ के दिमाग में थी, हालांकि आज जो वाक्य हुआ उसमें उन्होंने राजनाथ सिंह से पूछा था कि मैं बोल लूँ क्या, क्योंकि आयोजकों ने उनसे पहले बोलने के लिए कहा गया था, तब उन्होंने कहा नहीं मैं बाद में बोलूंगा, फिर राजनाथ सिंह से परमिशन लेकर बोलने के लिए उठे थे, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से जो 24 गांव के एक तरह से कह सकते राजा यहाँ के कहलाते हैं प्रताप सिंह राणा साहब, उन्होंने माइक छीन लिया और बोलने से रोका, उस बात को लेकर फिर जो है बात आगे बढ़ती गई, काफी देर तक कार्यक्रम रुका रहा, नीचे कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे बाबू सिंह राठौड़ के समर्थन में, और गजेंद्र सिंह शेखावत में लास्ट में आकर समझाए कार्यकर्ताओं को और जो पदाधिकारी जो मंच पर थे उनसे मना किया कि बोलने दिया जाए, उसके बाद बाबू सिंह राठौड़ ने अपना भाषण पूरा किया, लेकिन इस पूरे वाक्य से एक ही चीज पंकज जी, ये तो बड़ा सवाल उठता है, जैसे अरुण कह रहे हैं कि वहां पर राजनाथ सिंह मौजूद थे, उनसे परमिशन ली बाबू सिंह राठौड़ ने, और उसके बावजूद इस तरह की घटना होती है, तो ये तो सीधे सीधे जो बड़े राष्ट्रीय नेता आए हैं उनका अपमान है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि बाबू सिंह ने राजनाथ सिंह जी से परमिशन ली, उसके बाद वो मंच पर आए थे, लेकिन बीजेपी की जो भाषण की जो सूची थी उस मंच से भाषण देने में, उसमें बाबू सिंह का नाम नहीं था, ये स्थानीय जो भाजपा सूत्र है उनसे बातचीत में पता चला है। और एक इस खबर में मैं अपडेट और कर दूं, भाजपा ने जो इसका जो प्रेस नोट जारी किया है, इस सभा को लेकर जो भाजपा ने प्रेस नोट जारी किया है, उस प्रेस नोट में तमाम नेताओं के नाम बीजेपी ने दिए हैं, लेकिन उस प्रेस नोट में बाबू सिंह राठौड़ पूर्व विधायक का नाम नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ है कि भाजपा की तरफ से उस मंच से बाबू सिंह राठौड़ को बुलवाना या बाबू सिंह राठौड़ अपेक्षित नहीं थे। ये जरूर था कि बालेश्वर जो जगह है वो शेरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, जहाँ से बाबू सिंह पूर्व विधायक हैं, उनके इलाके में वो सभा हो रही थी, इसलिए एक सामान्य वक्ता के रूप में बाबू सिंह को पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया गया था। लेकिन बाबू सिंह ये चाहते थे कि जो केंद्रीय नेता राजनाथ सिंह के आने के बाद वो अपना भाषण शुरू करें, वो पार्टी के वहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनको नागवार था, हालांकि उन्होंने उसका बीच का रास्ता निकाला, बाबू सिंह ने खुद ने राजनाथ सिंह से परमिशन दी, क्योंकि केंद्रीय नेता है, बड़े नेता है, ऐसे में अगर कोई इस तरह की अनुमति मांगेगा तो उसको इनकार का कोई सवाल होता नहीं है, क्योंकि ना तो वो स्थानीय राजनीति से का उनका अनभिज्ञता रहती है, स्थानीय राजनीति से जो केंद्रीय नेता थे वो अनभिज्ञ रहते हैं, और ना ही वो सूची से अनभिज्ञ रहते हैं कि किसको पार्टी ने मन से बोलने का तय किया हुआ है। बाबू सिंह राठौड़ ने ये ठीक है बिल्कुल बात कि राजनाथ सिंह से अनुमति मांगी थी और उसके बाद मंच से बोलने के लिए आया, लेकिन बीजेपी की जो सूची तैयार हुई थी औपचारिक रूप से उस मंच में भाषण देने के लिए, उसमें बाबू सिंह का नाम नहीं था।
ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी चलिए, और हमारे साथ हम आपको बता दें, देखिए ये तो पूरा मुद्दा आपको बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे घटनास्थल पर गजेंद्र सिंह खीवसर भी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको एक बार सुना देते हैं। था कि उनको पहले बोला था बोल दो, तो उस टाइम वो बोले नहीं, तो वो हुआ क्या कि फिर वो अचानक बोले, तो उन्होंने कहा कि भाई एज पर प्रोटोकॉल आपका नाम नहीं है, तो हमने कहा जब ये नहीं बोले तो बोल लेने दो, फिर समझ गया मामला। ठीक है, क्योंकि देखो जो संचालन कर रहे थे ना, उनको दिया था ये आप बोलेंगे, ये नेक्स्ट बोलेंगे, ये नेक्स्ट बोलेंगे, वो चल रहा था। उनका काम था कि किसको किसका नाम पुकार के कौन बोलना है। हाँ नहीं, मैंने बोला कि जब उठ गए बोलने, राजनाथ सिंह जी ने खुद बोल दिया ना, इशारा कर दिया बोल लो, फिर शेखावत जी ने भी बोल दिया कि इनको बोल दो, तो उन दोनों ने बोल दिया, तो फिर हमने कहा बोलने, तो फिर उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा यार अब जब बोल रहे हैं बोलने तो बोल दो। ठीक है, समझ गया। कोई 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 नहीं, वो तो नियम है कि सिस्टम से बोलते हैं, जब कोई बीच में बोल रहा है, अगर इनको उन्होंने उनको कोई बात रखनी थी तो वो बीच में आ गए, तो उनको तो रोका गया, तो उसके बाद में माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत स्वयं आकर के उनको बोलने के लिए कहाँ झगड़ा हुआ। झगड़ा तो जब कोई आपस में इनके नेताओं के होगा, कोई कार्यकर्ता अगर बोल गया तो उनको ठीक करने का कहीं पर कोई गुटबाजी नहीं है। 2023 और 24 का जेत डंके की चोट से हम जीतने वाले हैं, आप देखते रहिए, ये सब कुछ होने वाला है। ये सारी जनता के जो जनता का जो उत्साह देख रहा था, आपने देखा होगा, उसके आधार पर फोन लाइन पर गजेंद्र सिंह खीवसर खुद जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, क्या पूरा मसला रहा, आप तो मौजूद थे वहाँ पर। मैं वहीं था। हुआ क्या था कि ये तय किया गया था कि राजनाथ सिंह जी और शेखावत जी जब आएंगे, तब तक हम जितने भी एक्स एमएलए एक्स मिनिस्टर एमपी हम लोग अपना उद्बोधन दे देंगे, है ना। तो ये उसमें लास्ट में जो है सतीश पुनिया जी ने अपना स्पीच दिया था, ठीक है ना। तो अब उस दरमियान क्या हुआ कि बाबू सिंह जी से बोला था कि आप बोल लो, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं नहीं बोलूंगा। फिर उसके बाद में जब शेखावत जी अपना भाषण दे चुके थे, तो बाबू सिंह जी उठे थे। एक्चुअली बाबू सिंह जी उठे थे कि उनको कुछ वहां पर कोई उनकी मांग थी, क्या आप केंद्रीय विद्यालय के लिए, है ना। तो वो माइक पे सीधे चले गए। वो राजनाथ सिंह जी क्योंकि वहां पर वो एमएलए तो वही थे पहले, वो माइक पे थे मांग करने के लिए कि हमें आप केंद्र विद्यालय दीजिए। तो इस बीच क्या है कि जो 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 संचालन कर रहे थे माइक का और जो लुकाफ्टर कर रहे थे, तो उनको ये फील हुआ कि साहब ये प्रोटोकॉल जो बना हुआ था उसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उन्होंने काफी जैसा कि हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह से उन्होंने परमिशन ली और उसके बाद वो बोलने के लिए गए। ये सब हो रहा था जब ये थोड़ा बहुत ये टेंशन हो रहा, तो राजनाथ सिंह ने इशारा किया कि इनको बोलने दो, ठीक है ना। और जब उन्होंने कहा बोलने दो, फिर शेखावत जी ने भी बोला कि इनको बोलने दो, वो खुद आए, ठीक है ना। तो बाबू सिंह जी नाराज होके बैठ गए कि भाई मैं नहीं बोलूंगा। तो फिर मैंने उनका हाथ पकड़ के उनको मैं खींच के ले गया। मैंने कहा यार जब आपको परमिशन मिल गई है बोलने के लिए, तो अब आप आके बोलो। तो फिर उन्होंने आके नहीं मांगे, यही था। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।